हे सानवी हॉल इट्स इट्स मी सानवी व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो कैसे हैं आप लोग आई होप सब लोग अच्छे हों मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हूं तो आप सबको पता हो कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है सितंबर का मंथ जिसको हम एग्जाम का मंथ भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम सबके हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेके जो कि है व्हाट टू कीप इन योर एग्जाम बैकपैक और हाउ टू पैक योर एग्जाम बैकपैक इसमें मैं आपको दिखाने हूँ कि मैं अपने एग्जाम बैग को कैसे पैक करती हूँ और कौन से कौन से एसेंशियल्स हमें अपने बैग में पैक करने चाहिए लेकिन वीडियो देख करने से पहले क्या आपने वीडियो को लाइक किया नहीं किया तो अभी कर दो

चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बैग में क्या पैक करूंगी तो जो मेरा पहला एग्जाम है वो है आर्ट एग्जाम तो मैं उससे रिलेटेड भी चीजें पैक करूंगी ही करूंगी और जो मेरे और भी एग्जाम्स होंगे ना ये सारी चीजें उस एग्जाम में भी काम आएंगी सो चलिए देखते हैं कि मैं क्या क्या पैक करती हूँ तो सबसे पहली चीज सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी हमारा पेंसिल केस ये नहीं ले जाओगे तो क्या आपने बगल वाले बैठे पार्टनर से पेन मांग के दिखा देती हूँ कि मेरे इस बेसिक से में क्या क्या रखा है सारी बेसिक चीजें रखी है मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा स्कूल में नहीं ले जाना प्रेफर करती हूँ सबसे पहले मैंने एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर रखा है डोम्स का ये है ब्लू पेन ये है ब्लैक पेन अब आपको इसमें से डिफरेंस नहीं पता होगा रुको जरा सबर करो लेकिन मैं जुगाड़ू हूँ तो अभी ये ये मेरी मोस्ट फेवरेट पेन है ये है यूनोमैक्स की पेन तो मुझे इसकी ग्रिप कंफर्टेबल लगती है तो मैंने क्या किया ना कि ब्लैक पेन की भी इंक निकाल के इसकी बॉडी में ही डाल दी सो so, अब हो गई ना मेरी दोनों पेन कंफर्टेबल सी तो मैं ये दोनों पेन ले जा रही हूँ एक स्केल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डिफरेंस पूछ लिया या हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है कुछ भी हो स्केल तो हर एक एग्जाम में काम आता ही आता है एक इरेजर एक पेंसिल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज डायग्राम्स बनाने में काम आता है वैसे अभी तो मैं पेन्सिल देखती हूँ लेकिन पेंसिल भी हर एक एग्जाम में काम आ जाती है एंड ये है एक विंडो हाईलाइट क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम बहुत बड़ा आंसर लिखते हैं तो टीचर्स के पास चेक करने का टाइम नहीं होता है तो हम अगर इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना तो टीचर्स सिर्फ के हमें मार्क्स दे देंगी और सोचेंगे हमने पूरा अप्रोप्रियट आंसर लिखा है तो ये हाईलाइटर ले जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल लाइफ में भी बहुत काम आता है ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो ये तो था कम सा सामान मेरे छोटे से पेंसिल पाउच में जो कि सारा बहुत एसेंशियल था तो मैं इसे ये छोटा सा तो सबसे छोटी वाली बैग में रखूंगी तो आई I मीन mean, सबसे छोटी वाली पॉकेट में रखूंगी तो ये मैंने रख दिया नेक्स्ट चीज है द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द पेंसिल पाउच और वो है ये कुछ भी ये ये मैंने कब लाया इससे क्या खुजली करूंगी एग्जाम में ये पक्का मेरे भाई नहीं रखा होगा वही ये सब करता होगा चलो गाइस ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसको फेंक दो सो नेक्स्ट चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जैसा कि मैं बताई थी वो बिल्कुल नहीं था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है हमारा इमरजेंसी पाउच देखो एग्जाम के टाइम पे हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए कुछ भी हो सकता है पेन की इंक खराब हो सकती है कोई बगल वाला हमारी पेन चोरी भी कर सकता है या पेन गिर गिर भी सकती है तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें एक इमरजेंसी पाउच हमेशा रखना चाहिए तो मैं एकदम बेसिक सा पाउच ले जा रही हूँ क्योंकि सुंदर वाले पाउच मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम में डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ तो एकदम प्लेन पाउच ले जा रही हूँ मैं उसमें सबसे पहले मैं रखूंगी टू एक्स्ट्रा ब्लैक पेन एंड टू एक्स्ट्रा ब्लू पेन तो चलिए हाँ इसे रख देते हैं नेक्स्ट मैं रखूंगी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक छोटी सी पेंसिल। Guys, आपको पता है ना कि लाइक like, अगर आप दो पेंसिल्स नहीं रख रहे हो तो आप एक पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर सकते हो वो थोड़ा मैसी तो लगेगा बट ऐसे शार्प करने में अपना टाइम वेस्ट छोड़ के हम अगर हमारे टूट भी गया तो हम जल्दी से पीछे से लिख लेंगे तो ये है एक प्रोटिप इसको जल्दी से नोट कर लेना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना जैसे मैं तो दो पेंसिल्स ले जा रही हूँ तो मुझे यह करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी कर लेना उससे बहुत काम आएगा नेक्स्ट मैं रख रही हूं, एक छोटू मोटू सा सा क्यूट सा स्टेपलर क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्री शीट्स मांगते हैं एकदम टॉपर जैसा लिखते हैं ना तो मेरे जैसे लोगों को ना थ्रेड से टाई करना नहीं आता पेपर तो मैं अपना एक स्टेपलर ले ही जाती हूँ और टीचर्स लाते हैं बट वो तो दस घंटा लगाएंगे ना तो जल्दी से मैं अपना करके करके सबमिट वहां से भाग जाऊंगी तो ये एक ले जाना जरूरी है और मैं ले एक बड़ा बिकॉज छोटा लेकिन अगर काम करना बंद कर दिया या पिन खत्म हो गई तो क्या होगा तो मैं ये भी ले जाऊंगी तो चलिए इसकी भी जिप बंद कर देते हैं खर 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 कुछ याद आया मेरी शॉर्ट्स देखिए नहीं देखी ना जल्दी से जाके प्लीज 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 देख लो तो ये हमारा इमरजेंसी पाउच चलिए इसे रख लेते हैं तो हमारी ये पहली वाली चेन भर गई है मैंने बंद कर दिया घर से एंड चलिए अब अपनी सेकंड चेन पैक करते हैं उसमें अब मैं अपने आर्ट से रिलेटेड सामान रखूंगी लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है ज्योमेट्री बॉक्स अभी हर एक एग्जाम में काम नहीं आता बट एक्चुअली आ ही जाता है कभी सर्कल बनाना हो गया स्ट्रेट लाइन बनाना हो गया किसी चीज को मेजर करना हो गया तो ये एकदम काम आएगा तो इसमें सारी बेसिक चीजें रखी हैं, इरेजर स्केल प्रोटेक्टर डिवाइडर एक छोटी सी पेंसिल एंड वगैरह वगैरह चीजें तो इसको भी मैं रख लूंगी सो so, नेक्स्ट मैं ले जाऊंगी कलर करने के लिए जो मेरी ड्रॉइंग होगी उसके लिए मैं ले जाऊंगी ये क्यूट से फ्लेयर के बॉक्स वाले ऑयल पेस्टल तो मेरे पास थे एक कैमल के कैमलिन के ऑयल पेस्टल्स एंड मेरे भाई ने क्या किया ना जबरदस्ती मुझे छीन लिया और स्कूल बैग में रख लिया और स्कूल चला गया एंड जब वो घर आया ना तो उसके बैग में वो रखे ही नहीं थे तो अब मैं क्या करती तो नया तो खरीदना ही पड़ेगा ना तो ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले खरीदा एंड मैंने अभी सिर्फ इसे एक बार ही यूज किया है कल के एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड इसको हम हैंग भी कर सकते हैं बट कहाँ हैंग करेंगे बताइए कहाँ पे करेंगे तो इसको भी मैं रख ले रही हूँ जो मेरी ड्राइंग है उसमें मुझे कुछ लाइक हाईलाइट करना हो रहा है कुछ ड्राइंग पार्ट्स को तो उसके लिए मैं ये ब्रश पेन भी ले जा रही हूँ ये पैक ऑफ फोर्टी नाइन वो जो मेरा ऑयल पेस्टल था वो पैक ऑफ ट्वेंटी फोर था तो ये भी मैं रख ले रही हूँ ये डोम्स की ब्रश पेन आने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो इसको भी मैं इसी चेन में रख ले रही हूँ तो कहते हैं ना मुंह से निकले शब्द को हम वापस नहीं ले सकते लेकिन लिखे हुए शब्द को तो ले सकते हैं ना इरेज करके तो उसके लिए मैं ले जाऊंगी ये दो एक्स्ट्रा इरेज़र्स ये है मेरे यूनिकॉर्न इरेजर बहुत ही क्यूट से रोलर वाले यानी रोलिंग पार्ट भी इसका इरेजर यानी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो नेक्स्ट मैं ले जा रही हूँ ये डोम्स का किट किट ये एक बहुत मिनी सा है इसमें सारी चीजें वैक्स पेंसिल पेंसिल स्केल टू इरेजर सब कुछ है तो लाइक अगर मैं हमारा इमरजेंसी पाउच में हमें धोखा दे देता है तो हमारे पास ये तो है ना और यार एग्जाम हॉल में भी मदद कर ही देनी चाहिए अगर हमारा फ्रेंड या कोई सीट पार्टनर कुछ उसे किसी चीज की जरूरत हो लाया ना हो ना तो शेयर कर ही दिया करो एक्स्ट्रा चीजें हमेशा रखा करो नेक्स्ट मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें रखूंगी जैसा कि मेरे पेस्टल हाइलाइटर्स, जैसा कि मैंने बताया था वर्ड्स मार्क करने के लिए तो मैं वो भी रख लेती हूँ इसमें जल्दी से ये टू कैलिग्राफी पेन्स वन पॉइंट टू पॉइंट कुछ लाइक आउटलाइन करने के लिए क्योंकि ये ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इसकी फाइन टिप है तो मैं इसे कुछ आउटलाइन भी कर सकती हूँ तो जैसे कल मेरा आर्ट एग्जाम है हिंदी एग्जाम में विज्ञापन आता है इंग्लिश एग्जाम में एडवर्टीजमेंट आता है तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे भी मैं रख ले रही हूँ नेक्स्ट मुझे वॉटर कलर से कुछ आता तो है नहीं इसलिए मैं सिर्फ ये इमरजेंसी के लिए छोटे से रंगीला के टेम्परा वाटर कलर एक पेन ब्रश रखूंगी इसका कोई जरूरत नहीं होगा बट मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगी कुछ भी ट्रीज में शेडिंग का आ गया तो मैं इसको यूज कर लूंगी तो मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो मैं ये भी रख लूंगी वॉटर कलर ले जा रहे हैं तो कुछ कंटेनर वॉटर एंड पेंट मिक्सिंग के लिए तो ले ही जाना होगा तो ये मैं छोटा सा कंटेनर ले आ रही हूँ यहाँ पे मैं पेंट मिक्स कर लूंगी And यहाँ पे मैं वाटर ऐड कर नेक्स्ट है टिश्यू पेपर इसके दो यूज हैं सबसे पहला तो ऑयल पेस्टल में जो ब्लेंडिंग होती है वो टिश्यू पेपर से बेस्ट होती है मेरे हिसाब से तो मैं ये छोटा सा फटाफटाला टिश्यू ऑयल पेस्टल के लिए ले जा रही हूँ मैं बहुत बार यूज भी कर चुकी हूँ किसी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए इंडियन माइंड ओके ये मेरे जैसे लोगों के लिए टिश्यू पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पसीना आता है एंड मैं लिखती भी जेल पेन से ही तो मेरा पूरे पेपर गीला हो जाता है और कभी कभार फट भी जाता है तो क्लास में तो फट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जाम हॉल में फट गया तो दूसरा पेपर कहाँ से लाओगे इसलिए ये टिश्यू पेपर कैरी करना बिल्कुल मत भूलना हैंकी भी लेते जाना बट टिश्यू पेपर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है

उसके लिए भी ये बहुत जरूरी होगा एंड ये दो ग्लिटर पेंस भी रख ले रही हूँ हेडिंग के लिए तो ये थी हमारी लास्ट चीज तो हम इसको जल्दी से रख लेते हैं अपने बैग की चेन बंद कर लेते हैं एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द एग्जाम बैग तो अच्छे से पैक कर लिया पढ़ाई भी एकदम अच्छे से करना और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स मम्मी मामा भी कुछ कह रही है सुन लो तो गाइस एग्जाम देने जाने से पहले दही चीनी जरूर खाना